एक दोस्तों, मैं पुलकित बैसला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुलकित पर। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड आप एकदम फिट फील कर रहे होंगे। तो यस्टरडे जो हमारी क्लास चल रही थी वो चल रही थी सर्कल्स चैप्टर 10 एंड हमने सारा बेसिक्स पढ़ लिया था कि भाई क्या क्या टेंजेंट्स होती हैं, क्या सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट डल सकती हैं एक्सटर्नली एंड इंटरनली, उसका क्या कनेक्शन होता है सेंटर से, ये सब हमने कल जान लिया था। आज की क्लास क्या होगी, आज की क्लास जो होगी वो हमारी होगी क्वेश्चन बेस्ड। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, प्लस इस बार का जो सैम्पल पेपर एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है उसमें भी आ गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। मतलब एक quadrilateral है, एक quadrilateral है, उसके अंदर उन्होंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है जी, बहुत आसान है, एक सर्कल बना दिया है। ओके, लो जी सर्कल बन गया। देन बोल रहा है quadrilateral का नाम क्या है जी, ए बी प्लस ए बी सी डी। ठीक है जी, बोल रहा है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी जी। ये प्रूव करके दिखाओ, क्या करो, प्रूव करके दिखाओ जी। बहुत आसान है, कैसे, टू प्रूव हमें क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। भाई मैंने कल आपको बताया था कि जो सर्कल को टच होके निकले ना उसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, जो सर्कल को जस्ट टच करके निकलती है। तो देखा जाए तो चार टेंजेंट बन रही है, क्या, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चार टेंजेंट हैं जो इस सर्कल को टच करके निकल रही हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई। क्या बोल रहा है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब मैंने कल आपको एक लॉ रूल बताया था कि किसी भी सिंगल पॉइंट से ना, किसी भी सिंगल पॉइंट से जो दो टेंजेंट, कितनी, पहली बात तो कितनी, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं जी, दो टेंजेंट डाल सकते हैं। देख लो, यहां भी दो टेंजेंट डल रही है, यहां भी दो टेंजेंट डल रही है। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था। अब ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है जी। कहां तक इक्वल होती है, जहां तक वो टच कर रही है, जहां तक वो टच कर रही है, यहाँ तक की गारंटी। ये नहीं आगे, भाई आगे तो मैं इसे कितना भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उसमें तो वो मेरी इच्छा है, लेकिन जहाँ पे वो टच कर रही है सर्कल को, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। तो ऐसे चार पॉइंट होंगे जहाँ पे ये इक्वल होंगी। ठीक है, ये चार इक्वल पॉइंट, चार पॉइंट होंगे, इनका नाम देता हूँ ए बी सी डी, इनका नाम देता हूँ मैं पी क्यू आर एस। ओके जी, ये नाम भी दे दिया। इससे मेरे को क्या पता लगा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए एस इक्वस टू ए आर होगा, क्या होगा, ए एस इक्वस टू ए आर। यहां लिख देते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। इसी तरीके से अगर मेरे को, देखो मेरे को क्या रखना है, ए बी और सी डी एक साइड रखने हैं, ए बी और सी डी एक साइड रखने हैं, तो मैं ए एस के साथ कौन सी वाली साइड रखूंगा, ए एस की साइड कौन सी साइड रखूंगा, बी एस सी क्यू और डी क्यू इसके साइड में रखूंगा। कहने का मतलब ये है, इस साइड में कौन सी चीज रखूंगा जो मुझे इस साइड चाहिए, और इस साइड में कौन सी चीज रखूंगा जो मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए, बिकॉज एंड में क्या कर दूंगा, मैं इनका सम कर दूंगा। मुझे पता है बातों में ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखो ए एस बराबर क्या आ गया, ए आर आ गया। अब इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, बी एस, बी एस बराबर बी पी। ओके जी, इस तरीके से क्या, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्यू सी बराबर पी सी। अब कुछ बच्चे क्या कर देंगे, पी सी को इधर रख देंगे, क्यू सी को इधर रख देंगे, ये गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे ए बी और सी डी एक साइड चाहिए, ए बी जो प्रूव करना है ना उसको भी तो ध्यान दो, क्या बोल रहा है, ए बी प्लस सी डी मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, तो मैं सारे जो पार्ट्स है ना, जो टुकड़े हैं, इनको एक साइड रखूंगा, कौन से, जो मुझे इस साइड रखने हैं। ठीक है, इसलिए क्यू सी, क्यू सी जो है वो ए बी और सी डी का हिस्सा है, इसलिए मैं उसे इस साइड रख रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, सीक्वेंस मत चेंज कर देना, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्यू सी और पी सी हो गया, एक रख देता हूं जी
DQ और RD, अब आप खुद बताओ DQ इस साइड रखूं या इस साइड? जी नहीं, इस साइड, क्यों? क्योंकि ये किसका हिस्सा? CD का, बराबर RD, DQ बराबर RD, ठीक है? चारों में सेम पॉइंट लगेंगे, चारों में सेम पॉइंट, क्या? टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट R और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये बराबर का साइन है, एक दो तीन चार, ठीक है? ये आपस में बराबर है, ये नहीं है कि ये इसके बराबर, नहीं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब क्या करना है, ये इनको इक्वेशन मान लो 1, 2, 3, 4, अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना, क्या करना है जी, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ठीक है? इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कर दे जी, ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस प्लस बी एस प्लस क्यू सी प्लस डी क्यू बराबर ए आर प्लस बी पी प्लस पी सी प्लस आर डी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन मैं बताऊँ ए एस प्लस बी एस क्या बनाता है, ए बी बनाता है, और क्यू सी प्लस डी क्यू क्या बनाता है जी, आपका सी डी बनाता है। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं इनको इस साइड क्यों रख रहा हूँ, अब आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ए आर ए आर ए आर प्लस आर डी, ए आर प्लस आर डी क्या बनाएगा, डी ए बनाएगा, और बी पी, बी पी प्लस पी सी क्या बनाएगा, बी सी बनाएगा, ठीक है? तो ए एस प्लस बी एस की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस क्यू सी प्लस डी क्यू की जगह डी सी, इस तरीके से ए आर और आर डी को जोड़ दूंगा तो ए डी प्लस बी पी और पी सी को बी सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चार मार्क्स में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हो, है ना? कोई डाउट आई थिंक इसमें रहा नहीं है, कि वही कॉन्सेप्ट लगे क्या, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल होगी, ऐसे यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लीज राइट इट डाउन। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर एक्सपी एक्सपी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड ए आर बी इज अ टेंजेंट ऑन अ पॉइंट आर, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव कर लेते हैं, एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू एक्स बी प्लस बी आर, ठीक है जी, ये प्रूव करना है। एवा क्वेश्चन की रीडिंग करो और थोड़ा सा इसमें दिमाग मारो, क्या देखो क्या क्या कर पा रहे हो, कुछ लिखो तो सही भाई। मेरे को इसमें एक चीज दिख रहा है कि ये जो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट्स है जो दो टेंजेंट निकलते हैं ना वो आपस में इक्वल होती हैं। बस सबसे पहले वही काम कर दो, वो लिखने का वही काम करता हूँ, ये क्या करना है जी, टू प्रूव, क्या करना है जी, टू प्रूव, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं ना कि एक्स पी, अब कोई लिखेगा कि एक्स से, अरे एक्स से टेंजेंट कोई है, टेंजेंट तो एक्स पी है, यहां से लेके जो सर्कल को टच कर रही है, तो एक्स पी बराबर किस पे होगी भाई, खुद बोलो, एक्स पी बराबर होगी एक्स क्यू के, ठीक है जी, इतना काम कर लिया। और एक पॉइंट ये है, क्या है ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी दो टेंजेंट निकल लिए, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो बोल सकता हूं जी ए पी बराबर ए आर, ठीक है, ए पी बराबर ए आर, और इधर क्या लिख सकता हूं, आर बी बराबर बी क्यू, ठीक है भाई, इतना काम तो कर लिया भाई, तीन एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहे थे, तीनों से जो टेंजेंट निकल रही थी वो आपस में इक्वल प्रूव कर दी कि ये दो आपस में इक्वल है, ये दो आपस में, ये दो आपस में इक्वल है। अब इनमें लिंक देखते हैं, क्या इसका ए आर का इससे कुछ लिंक है? हाँ जी, ए आर जो है वो ए पी के इक्वल है, और जो ए पी है ना वो एक्स पी का पार्ट है, क्या है, एक्स पी का पार्ट, और हमें प्रूव क्या करना है, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर बराबर एक्स बी प्लस बी आर। तो अगर इस, हमें ये तो पता है कि एक्स पी बराबर एक्स क्यू है, एक्स पी बराबर एक्स क्यू है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई, एक्स पी की जगह मैं उसको तोड़ के दो हिस्सों में लिख देता हूँ भाई, एक्स पी क्या है, एक्स पी है एक्स ए प्लस ए पी, ये क्या है, एक्स ए प्लस ए पी, ठीक है जी, और एक्स क्यू क्या है जी, एक्स क्यू है आपका एक्स बी
प्लस बी क्यू, बहुत सुंदर, ठीक है। प्रूव क्या करना है, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए मेरे पे आ गया, एक्स बी मेरे पे आ गया, ए पी की जगह ए आर कर दूं और बी क्यू की जगह बी आर, ये क्या हुआ जी, क्यों करो, अपने आप कर दोगे, अपने आप कर दोगे जी, नहीं अपने आप क्यों करेंगे, प्रूव कराए क्या, ए पी बराबर ए आर। मुझे नहीं पता था कि ये इस प्रूव का यहाँ पे यूज होगा, बट मैंने लिख लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहे थे इसलिए मैंने कोने में वो अलग से लिख लिया था, लिखना चाहता तो पहले यहाँ लिख देता, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ यूज होगा। तो ए पी बराबर क्या हो गया, ए आर हो गया, और आर बी बराबर क्या हो गया, बी क्यू, ये क्यों था, ये कहानी यहाँ लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं एक्स ए प्लस ए पी की जगह क्या लिख सकता हूं, ए आर, और एक्स बी और बी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं जी, आर बी, ठीक है, आर बी या बी आर बोलो, आर बी बोलो, एक बात है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने रिजल्ट को प्रूव कर लिया है। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ना इस क्वेश्चन की, मतलब एक तरीके से इसकी औकात जो है वो रत्ती भर की भी नहीं है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 मार्क्स क्यों फालतू में गंवाने, तो थोड़ा सा ध्यान लगा लो, थोड़ा सा ध्यान लगा लो, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएगा, एक बस खाने की देरी है, जो खा लेगा 3 नंबर उसके 100% पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, पी ए बराबर पी आर आर टेंजेंट टू सर्कल, पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पी, ए पी की वैल्यू 9 है और ये एंगल कितना है, 60 है, ठीक है। लॉजिक थोड़ा छोटा छोटा सा लगेगा, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, हाँ जी बिल्कुल सही। निकालना क्या है जी, ए भी निकालना है, ए भी निकला अभी नहीं निकला, ये एंगल 60 दे रखा, क्यों दे रखा है, कुछ तो मतलब होगा, भी देख लेते हैं। देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू अ आर ऑलवेज इक्वल इन डिस्टेंस, ठीक है। और मुझे ये पता है ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी ए बी, इसमें पी ए बराबर क्या है पी बी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा, इसको x मान लेता हूँ, इसको y, एंगल x बराबर एंगल y होगा, क्यों, क्लास 9th में ही पढ़ा था क्या, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये राम कहानी यहाँ पे लिख देना, क्या, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये 60 है भाई, टोटल सम कितना होता है, ये 60 है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 182, क्यों 182, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इतनी बात लिखनी नहीं है पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 60, x की जगह क्या लिख दूंगा जी, x ही लिख दूंगा, y की जगह x लिख दूंगा, ठीक है, दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल, ये होता चला जाएगा 2x बराबर कितना जाएगा 120 आ जाएगा, x बराबर 60 आ जाएगा, x बराबर 60, अगर x की वैल्यू 60 है तो y की भी वैल्यू 60 आ गई, 60 60 60, तीनों एंगल 60 है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जी तीनों से जो साइड होती है ना इक्विलेटरल की वो इक्वल होती है, ये 9 ये 9, तो ये भी क्या हो जाएगी 9, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 9। आई होप समझ में आ गया, प्लीज राइट डाउन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वो आपसे बोलना चाह रहा है कि O इज सेंटर, O क्या है एक सर्कल का सेंटर है, AC क्या है उस पर टेंजेंट है, ठीक है। O अगर सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से जो सर्कल को जोड़ने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं जी, रेडियस, तो ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई। कह रहा है CAB जो है वो 60 डिग्री है, फाइंड AOB, ये निकालना है जी, ये x निकालना है, क्या निकालना है x निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इस x का इससे कोई लिंक है भाई, डायरेक्ट लिंक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, डायरेक्ट लिंक तो दिख नहीं रहा, पर मैं एक बात जानता हूं, टेंजेंट दे रखी है, और टेंजेंट कल ही बताया प्रॉपर्टी कि टेंजेंट जो होती है ना, टेंजेंट जो होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, किसके, रेडियस के, जहाँ पे वो टच कर रही होती है। तो मतलब ये पूरा एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल CAO क्या है 90 डिग्री है, क्यों, कल ही आपको बताया था CAO के अंदर ये 60 है, ये क्या है 60 है, तो ये कितना बचा बेटा, ये 30 हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ये बात तो समझ में आ रही होगी भाई, पूरा एंगल CAO 90 डिग्री का है, और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, तो एंगल जो हमारा क्या होगा OAB,
ओ ए बी ये होगा 90 माइनस 60, तो ये कितना जाएगा 30 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाले अगर मैं इन ट्राइंगल ओ ए बी की बात करूं, क्या करूं, ओ ए बी की बात करूं, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। बच्चे पूछेंगे क्यों, क्योंकि बेटा देखो ये दोनों जो एंगल हैं ये कौन से साइड के अपोजिट है, इस वाली साइड के और इस वाली साइड के, और ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। दो साइड अगर ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले अपोजिट जो एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है 9th क्लास की, बहुत ही फेमस। क्या बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 है, क्यों, क्योंकि इनके सामने वाले जो साइड है ट्राइंगल की वो आपस में इक्वल है। ठीक है, अब लगा देते हैं ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये एंगल मैंने एक्स मान लिया, जो मुझे ना फाइंड करना था, ये मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो बोलूंगा एंगल एक्स प्लस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे इनकी जगह इनके नाम लिखना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए डायरेक्ट जल्दी लिख रहा हूँ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलेंगे इसे ट्राइंगल की, ठीक है, एंगल एक्स 30 30 60 हो जाएगा, तो जाके 180 माइनस 60 हो जाएगा, एंगल एक्स क्या आएगा 120। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा। इस क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का प्रूव करने के लिए, और 1 क्वेश्चन आएगा ऐसे वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 नंबर के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसे कर रहे होगे। प्रूव वाले मैंने करवा दिए, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं आता है प्रूव में, आगे तो आगे देख करवा देंगे। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ए बी एक टेंजेंट है और सी डी दो टेंजेंट है और क्या है, आपस में पैरेलल है। तो क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, बहुत इजी। ए बी पैरेलल टू सी डी है और क्या है, टेंजेंट है टू आ सर्कल विद सेंटर ओ। फिर एक और टेंजेंट है क्या, टी एस टेंजेंट है, कहाँ ज्वाइन कर रही है, क्यू पर, एंड इन दोनों पैरेलल जो लाइंस हैं, पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इनको एस और टी पे मीट करती है। तो ये मुझसे ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करो, जो एस ओ टी है ना, एस ओ टी, ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, इनका कुछ फ़ायदा उठाते हैं। भाई मुझे ये पता है कि सेंटर से ना इनको ज्वाइन कर दूं। अच्छा, ये डॉट डॉट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देता हूँ जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब अगर देखूँ तो ये एंगल भी 90 है, ये 90 है सब कुछ, ठीक है, ये 90 है, ओके। अब क्या करते हैं, इन दो ट्राइंगल को देखते हैं, कौन से ट्राइंगल, ये लेते हैं इन ट्राइंगल ओ पी एस, ओ पी एस एंड ट्राइंगल ओ क्यू एस, ठीक है, ओ पी एस ओ क्यू एस। अच्छा, इन ट्राइंगल को ही क्यों देख रहे हैं, इन ट्राइंगल को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों का लिंक यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ लिंक लाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ओ पी एस और ओ क्यू एस में देखूँ, ओ पी एस और ओ क्यू एस में देखूँ, तो ये साइड तो होगी जी कॉमन, ठीक है जी कॉमन। ये क्या है, यहाँ ओ एस इक्वल्स टू ओ एस क्या है जी, कॉमन है। ठीक है, मैं कुल मिला के दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करूँगा, इसको इसके कॉन्ग्रेंट, इसको इसके कॉन्ग्रेंट। ठीक है, चारों का सम एंगल का 180 होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम मेरा 90 प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा, जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो देखते रहो। ओ एस बराबर क्या हो गया, ओ एस हो गया, कॉमन हो गई। अच्छा, ओ पी, ओ पी बराबर ओ क्यू, ये क्या हो गया जी हमारा रेडियस, क्या हो गया रेडियस, इसलिए बराबर। और पी एस पी, एस पी बराबर एस क्यू, क्यों भाई ये बता दो, ये क्यों इक्वल होंगे, एस पी बराबर एस क्यू, अरे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट है बोला था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही हैं, कहाँ मीट कर रही हैं, पी और क्यू पे, तो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ वो राम कथा लिख देना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तीनों साइड इक्वल हो गई, तो इससे क्या प्रूव होता है, ओ पी एस
कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ क्यू एस, ठीक है। यहां से मैं लिख दूंगा ये वाला, इसको नाम दे देता हूं वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर। यहां लिख दूंगा एंगल वन बराबर एंगल टू बाय, जल्दी बोलो, सी पी सी टी, सारा नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिमिलरली से अगला क्या करूंगा, ट्राइंगल जो ये दोनों होंगे ओ आर टी, क्या आएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ओ टी क्यू के, हाँ जी बिल्कुल 101% हो जाएंगे, ओ आर टी सिमिलर टू ओ टी क्यू। उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद हम करते हैं वही सेम काम, एंगल 4 बराबर एंगल 3 बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, ठीक है। इतना काम कर लिया, अब क्या करना है जी, ये जो पूरा सम है ना ये 180 होता है, क्यों, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। भाई हमने नाइन्थ में एक चीज बताई कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, कितना 180, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों होएगी ये बता देता हूँ। भाई आप कह रहे हो OR और OP स्ट्रेट लाइन होगी, ये कैसे प्रूव करोगे, देखो AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि इन दोनों का सम कितना है 180, तो को इंटीरियर बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि PR क्या है, एक ट्रांसवर्स है, PR एक क्या है, ट्रांसवर्स है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। ट्रांसवर्स होगी तो मतलब क्या है, एक लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनाऊंगा तो टोटल सम कितना आएगा, 180 होगा। तो यहां लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, ये कितना है बराबर 180, ठीक है। ये क्या लिखोगे, एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतनी सी बात मेरे को समझ में आ गई। अच्छा वन की जगह क्या लिख लूँ, वन की जगह टू लिख लूँ, ठीक है जी, टू लिख लिया। टू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि टू और थ्री, एंगल टू प्लस एंगल थ्री को मुझे 90 प्रूव करना है भाई, यही तो SOT बनेगा, यही तो SOT, कितना सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आएगा, बताओ कौन हर बच्चा करेगा इसको, ठीक है। तो ये आपसे तो छूटना नहीं चाहिए। तीन की जगह, चार की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल तीन लिख सकता हूँ 180 डिग्री, 2 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। क्या करूँ, 2 कॉमन ले लूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 2 से क्या कट जाएगा, ये 90 कट जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री, और 2 प्लस 3 क्या होता है, SOT, तो एंगल SOT बराबर 90 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने एक और नई टाइप का प्रूफ का क्वेश्चन कर लिया है। तो प्रूफ का क्वेश्चन तो 100% ईजी आने वाला है, अगर कोई हार्ड आएगा तो उसको हम आगे भी देख लेंगे। अच्छा इस क्रैश कोर्स की सीरीज के बाद हम क्या करेंगे, डेली एक लाइव सैंपल पेपर किया करेंगे, तो उसमें जो हमारी क्वेश्चंस अभी ना इतनी प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, ठीक है, और प्लस हम मिक्स्ड प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन बच्चों को सैंपल पेपर हमारे साथ करने हैं लाइव एकदम, ठीक है, 3 से 4 घंटे लगा करेंगे डेली, वो हमारे साथ कर ले, वरना अगर आप खुद कर पा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत खुद से चल रही है, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई सेल्फ स्टडी से अच्छी चीज़ तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हम क्यों आए हैं यहाँ पे, हम इसलिए आए हैं कि जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम भी हो रही है उनको हम हेल्प कर सकें। बाकी देखो जो टॉपर है वो तो टॉपर ही है, वो कहीं भी पढ़ ले, यहाँ पढ़ ले वहाँ पढ़ ले, उसके तो नंबर बढ़िया आनी है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं, इतनी मेहनत नहीं कर पाते, तो उनको एक पुश चाहिए होता है, उस पुश को देने के लिए हम आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम मेरा काम मिक्स जो मोटिव है वो यही है कि हर बच्चा अच्छा स्कोर करे इस बार के बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। सर्कल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन भी कर लिए, और क्वेश्चन हम कहाँ देखेंगे, जब हम सैंपल पेपर सीरीज चलाएंगे, ठीक है, वो इसके क्रैश कोर्स के बाद चलाएंगे, लास्ट का जो एक मंथ बचेगा उसमें बोर्ड से पहले, ठीक। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में फैलाएं, जितने भी है मैक्सिमम सबको इस बेनिफिट के बारे में बताएं जो हम डेली कर रहे हैं, ठीक है। जिनका सिलेबस हमारे साथ चल रहा है वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसे निपटा लेंगे, इसका मैं आपको गारंटी के साथ प्रॉमिस करता हूँ, ओके। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियो का और हमारे कोई भी अपडेट्स का। वीडियो कब आती है, वीडियो डेली 7 o'clock आती है शाम को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बीफ।